तो माय नेम शांतनु द्विवेदी, आप लोग देख रहे हैं पीडीआर व्लॉग। तो ये जो एक बजे वीडियो आ रही है, इसमें आप लोगों को मैं कल्याणपुर की दिखाऊंगा और एसपीएम भी दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। तो मैं आपको उसको जल्दी दिखाता हूँ, तो मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ स्कूटी की स्पीड को, वीडियो को मैं इतना नहीं करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑटो रुके और जाए, इसका मतलब होगा, इस जो बोर्ड लगा है उसका मतलब है यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग, मतलब दो पहिए जो होते हैं वो यहाँ पे पार्क किए जाएंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दें भाई, इसका जो यहाँ पे पार्किंग वे एकदम फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कृपया करके अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो उसको मत दीजिएगा, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पर लेकिन फ्री कब है, जब एक घंटे की होगी पार्किंग, मतलब आपकी मतलब एक घंटे तक ही, मतलब यार घंटे भर का समय दिया गया है, दो घंटे का, ये भी कन्फर्म नहीं है। जहाँ तक ये रूल होता है, मुझे जो पता है दिल्ली का ये रूल है शायद कि भाई एक घंटे के लिए पार्किंग फ्री रहती है, इसके बाद कॉस्ट या चार्ज पड़ता है, जो भी होने वाला है कल्याणपुर में, लेकिन फ्री होने वाला है, तो मैं आपको बता रहा हूँ फ्री है अभी तो। और बात का बात क्या बाद में देखते हैं। तो यहाँ पर तीन, उधर दो बोर्ड लगे, इधर तीन बोर्ड लगे, यहाँ पर दो बोर्ड किस चीज़ के लगे हैं पहले मैं बताऊँगा। यहाँ पर कार पार्किंग का एक्स्ट्रा दिया गया है भाई, कहाँ पर कार पार्किंग, भाई यहाँ ठीक है, यहाँ पर कार पार्किंग का दिया गया है। और आगे जो आ रहा है ये अपना टू व्हीलर पार्किंग है, ठीक है। और जो उसके आगे आने वाला है, यहाँ पे जो है जो ई रिक्शा होते हैं या टेम्पो होते हैं, वहाँ पे रुके, सवारी को उतारें और जाएं, खड़े नहीं होंगे, उसमें साफ साफ लिखा है अगर खड़े होते हैं तो वह चालान कट सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ से पानी आ रहा है ऊपर को है, ये लोग आप लोग देखते रहते होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं कल्याणपुर, कल्याणपुर में देखते हैं इस प्रकार के बोर्ड लगाए गए हैं कि अभी नहीं लगाएंगे। थोड़ा सा स्पीड को तेज करते हैं और थोड़ा मुझे काम भी था वो भी कर लेता हूँ। यार एकदम यार हाथ में खुजली आ गई, तो हमने खुजिया लिया और भाई वीडियो हो गए बंद, तो मैंने दोबारा वीडियो चालू किया, फिर से वापस हम आए, हम कल्याणपुर पहुँच गए थे। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए इतना हम कर ही सकते हैं, अगर आप मेरे लिए सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं तो यार हम आपके लिए इतना करना बनता है। आप लोग कहते हैं खांसी तुमको बहुत आती है, भाई खांसी क्यों आती है पता है, धूल यहाँ पे इतनी उड़ती है ना कि आपको भी आने लगेगी, मजाक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग कल्याणपुर में देखते हैं भाई, जिसमें बोर्ड वो लगाए गए हैं कि भाई ये अभी भी 95% कम्प्लीट है, देखते हैं पास ही में आ गए बिल्कुल, यहाँ पे कुछ अलग ही लगाया गया होगा बोर्ड। तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे दो ट्रैक होने वाले हैं, एक ट्रैक आने के लिए, एक ट्रैक जाने के लिए होगा, ठीक है। वो वाला आने के लिए होगा, इधर वाला जाने के लिए होगा, मतलब अलग अलग रेलगाड़ियाँ आएंगी, अब घूम के तोड़ो नहीं आएगी, अब तुरंत घूम जाएगी वहीं से, समझ रहे हो बात को, समझो। ये अपना कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे सभी बस्ती चल रही है, हाँ वहाँ नहीं चल रही, यहाँ चल रही है, देखो अब भाई क्या बताएं हम, जो है भाई वो ही है देखो, ठीक है। उधर कुछ ऐसे चल रहा है, इधर भी कुछ ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो भाई चलने दो, जब कोई चीज़ चल रही है तो उसको चलने देते हैं। यहाँ पर अभी किसी प्रकार के बोर्ड वोर्ड नहीं लगाए गए हैं और ना ही कुछ भी किया गया है, यहाँ पे ऑरेंज कलर का यहाँ पे डंपर खड़ा जो कि सीमेंट डालता है, यहाँ पे कोई यूज नहीं है, पार्किंग बन गई है जहाँ पे खड़े होते हैं। और वो यहाँ कल्याणपुर वाले मुझे लगता है पार्किंग नहीं होगी, कार पार्किंग, बाइसिकल तो होगी, फिर भाई इलेक्ट्रिक बस देखो भाई सामने आपके इलेक्ट्रिक बस, जो लोग मैंने वीडियो बनाई हुई है आप लोग जानते ही हैं, सामने है अपनी ये इलेक्ट्रिक बस, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक बस, फुल एसी है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी है। अभी मतलब टाइम हो रहा होगा, मैं आपको बता दूँ अभी टाइम हो रहा है 4:30, और भाई इस समय कल्याणपुर में बस आती है, अगर आपको कहीं जाना है तो भाई कल्याणपुर में रहते हैं तो वो 4:30 में बस आती है इलेक्ट्रिक वाली, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। जाने से पहले यार IIT मेट्रो स्टेशन देख लेना यार, बहुत देर का बना दिया गया है, ऐसा लगता है दिल्ली नहीं बम्बई में आ गए, दिल्ली की बात छोड़ दो, दिल्ली का इतना अच्छा नहीं था भाई कल्याणपुर का बनाया गया है, अच्छी बात है भाई कल्याणपुर का बनाया गया, भाई उसको कई साल हो गए, ये नया अपडेट अपना है, तो भाई नए अपडेट में तो भाई नया अपडेट होता ही होता है। अब भाई जब फ़ोन का अपडेट आता है भाई कुछ ना कुछ नया होता है ना फ़ोन में, या तो वाल पेपर बदल जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही करता है, ठीक है। तो उसको होने देते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, SPM मेट्रो स्टेशन चलते हैं, वहाँ चले के देखते हैं कि भाई वहाँ पर बोर्ड लगे हैं क्या, यही टू व्हीलर वाले कि थ्री व्हीलर वाले। कुछ लोगों कमेंट आ रहा भाई ट्रेन मुड़े कैसे, मैं आपको बता दूं ट्रेन मुड़े के दो इंजन होते हैं, पीछे से घुमाना चालू कर देंगे, जैसे रिवर्स का होता है कार में वैसा ही मेट्रो में बैक करने के लिए दो इंजन होते हैं, आगे एक पीछे, आगे और जब बैक करनी होगी तो पीछे चले जाएंगे, आगे चलाना होगा तो आगे वाले मारेंगे। भाई अभी तो मेरा SPM मेट्रो स्टेशन जो कि हम लोगों के एकदम सामने है, और मैं यहाँ से आपको दिखा दूँ कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है, उस पेंटिंग अगर रोज अब बड़ा जब तुम रोज रोज देखोगे ना तो वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, ठीक है। तो उसको रहने देते हैं, अभी हम लोग देखते हैं सामने जो अपने हैं एकदम SPM
पार्किंग कार की ये रही, जो कि मुझे ही लग रही है कि कार की पार्किंग नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है देखो, क्यों नहीं होने वाली मैं क्या बताऊँ, तो मुझे लगता है कार की पार्किंग होगी। ठीक है, तो ये देखो इंटर बाइक कुछ इस प्रकार से यहाँ से उठाए जाते हैं, तो जो कि आपके सामने है। और ये रहा, इसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट वाइज लगभग आपके हिसाब से अगर कहना चाहें तो, इसको अगर हम कंप्लीट कहें तो लगभग हम कहेंगे इसको 90%। ठीक है, क्योंकि भाई 90% ही कंप्लीट है। क्यों नहीं कंप्लीट है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम तो बताते रहते हैं, आप लोग हमारी वीडियो देखते होंगे तो जानते होंगे तो बताएंगे आप हमको। भाई यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, भाई यहाँ पे जो पेड़ लगाए गए थे भाई वो सूख चुके हैं। जी हाँ, अब पानी नहीं मिल पा रहा, क्या हो गया क्या नहीं हो गया है वो आपको मैं बताऊँगा। पहले दिखाते हैं सूख क्यों गए हैं, सूख कैसे गए और वो कैसे लगते हैं सूखे हुए पेड़। वो भी जो ये हरी पेड़ है एकदम, ये हरे पेड़ एकदम, ठीक है, आगे वाले सब हरे हैं बेहतरीन तरीके से। ये देखो, ठीक है, इनको हरा रहने देते हैं, आगे सूख गए उनको आपको दिखाते हैं कि भाई क्यों सूख गए। भाई आप कमेंट करके बताओ क्यों सूखे, अभी इनमें खाद पानी डाला गया है। ये देखो भाई क्या हो गया यार, पता नहीं क्या हो गया है। और भाई जलने की महक भी आ रही है मुझे यहाँ से, यहाँ लगता पता नहीं क्या हुआ, जलने की महक मेरे पास से आ रही है यहाँ से, बहुत जोर यहाँ से जलने की महक आ रही है, पता नहीं क्यों जलने की महक आ रही है। लेकिन फिलहाल तो ये सूख गए हैं और ये हरे हैं, फिर यहाँ के भी हल्के हल्के यहाँ से भी जलने की बदबू आ रहा हो सकता है कि यहाँ पे जो टायर है, जो सो टायर कह रहा हूँ, जो बिजली के तार पड़ा हो वो, उसको उनको कुछ काम वाम करना हो या उससे कुछ पेड़ों को नुकसान हो रहा तो हो सकता है उससे हो गया होगा। तो उसी को सही करने के चक्कर में पेड़ को हटाया गया होंगे, उसके पेड़ हट गए होंगे, इसी कारण कुछ हो सकता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ऐसे ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए। भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन का बटन दबा दो, बस इतना ही चाहते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ चाहते नहीं है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। और भाई आजकल इंप्रेशन नहीं भेज रहा यूट्यूब, तो भाई आप शेयर कर दिया करो वीडियो यार, प्लीज़। थैंक यू वीडियो वॉचिंग, बाय बाय।